लालच, लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करा सकता है, और जब वो लालच पैसे का हो तब तो कुछ क्रेजी होना पक्का है। इंडियन क्रिकेट टीम का एक ऐसा कैप्टन जिसने इंडिया को 3 वर्ल्ड कप्स में लीड किया हो, वो सडनली एक दिन BCCI के द्वारा क्रिकेट से बैन हो जाता है बिकॉज ऑफ मैच फिक्सिंग। बहुत लोगों का आइडल और क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाने वाला वो खिलाड़ी अचानक अपने ही फैंस का दुश्मन बन बैठता है। उसी के साथ कुछ और प्लेयर्स को भी BCCI बैन कर देता है। अजय जडेजा अक्यूज्ड ऑफ मैच फिक्सिंग। मैं समझता हूं कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। 27 नवंबर 2000 को अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा को CBI के द्वारा मैच फिक्सिंग के आरोप में गिल्टी घोषित किया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ इंडियन क्रिकेट में पहली बार था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। बट ये सब हुआ कैसे और इस सब की शुरुआत कैसे हुई? Accused of match fixing. मुझे थी कि आप CBI की रिपोर्ट अगर देखें तो उनको नहीं क्लीन चिट मिली गई है। Somebody spoiled my life. September 3, 1994 ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है टू प्ले 3 टेस्ट मैच सीरीज। उस टाइम के पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सलीम मलिक ऑस्ट्रेलियन बॉलर शेन वॉन को उनके होटल रूम में जाकर मिलते हैं और वहां वे उन्हें $276,000 की अमाउंट ऑफर करते हैं बेसिकली टू फिक्स द मैच। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तानी टीम अपने ही देश में सीरीज हार जाएगी तो उनके घर जला दिए जाएंगे। $200,000 कैश इफ यू जस्ट बॉल वाइड ऑफ स्टंप, डोंट ट्राई एंड गेट अस आउट, वी विल लेट इट बॉल गो, मैच विल बी अ ड्रॉ। और फिर सीरीज के एंड में शेन वॉन ने पूरी कॉन्वर्जेशन टीम मैनेजमेंट और कोच को बता दी और इसके बाद बहुत बड़ा बवाल होता है। पूरी दुनिया को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था और ICC ने सलीम मलिक पर लाइफ टाइम बैन भी लगा दिया था। हालांकि एक पाकिस्तानी कोर्ट ने 2008 में इस बैन को हटा दिया था, बट PCB और ICC ने इस बैन को हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। 1994 के इंसिडेंट के 3 साल बाद यानी 1997 में वापस मैच फिक्सिंग की चर्चा होने लग गई और ये सब होता है इंडिया के फॉर्मर प्लेयर की वजह से जो बाद में बैन भी हुए थे, मनोज प्रभाकर। 1997 में मनोज प्रभाकर पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्हें 1994 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए गए थे और बाद में कुछ सोर्सेज रिवील करते हैं कि मनोज को पैसे ऑफर करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी प्लेयर कपिल देव थे। वेल, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मनोज प्रभाकर को ही पता होगा। इस इंसिडेंट की वजह से फिक्सिंग को लेकर काफी बवाल चल ही रहा था कि फाइनली वो सीरीज आ जाती है जिसने मैच फिक्सिंग के स्कैंडल को फाइनल फुल स्टॉप दे दिया था। वो सीरीज थी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ईयर 2000 के फेब में इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट होने वाली थी और एक महीने बाद मार्च में खत्म। अब इस दौरान क्रिकेट में काफी लोग अंडरवर्ल्ड के भी इन्वॉल्व हो चुके थे, जैसे कि इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील एंड एक्सेट्रा। और इसी वजह से मैच फिक्सिंग कोई छोटी मोटी आम मैच फिक्सिंग नहीं थी, और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ क्रिकेट को एज अ रिलीजन देखा जाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू द सीरीज, साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया को उन्हीं के घर पे टेस्ट सीरीज में हरा देती है। इंडियन टीम को टेस्ट सीरीज में उनके घर में हराना आज तक तो मुश्किल है ही, पर उस टाइम भी मुश्किल ही था। फॉर अ रेफरेंस आप ये समझ लीजिए कि इस हार से पहले इंडिया घर पे टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ 1987 में हारी थी। टूर खत्म होने के बाद ये खबर आती है कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रॉन्च, हर्शल गिब्स और हेनरी विलियम्स मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। इन तीनों प्लेयर को एक डील मिली थी। उस डील के हिसाब से हर्शल गिब्स 20 रन से कम रन स्कोर करेंगे, हेनरी विलियम्स अपने 10 ओवर्स में 50 से ज्यादा रन्स देंगे और साउथ अफ्रीका की टीम 270 से कम का टोटल स्कोर करेगी। वैसे तो गिब्स ने ये डील एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन मैच खेलते वक्त ये डील उनके दिमाग से निकल गई एंड ही स्कोर 74 रन्स। जब उन्हें डील के बारे में याद आया, देन ही डिस्कस दिस विद हिज कैप्टन हैंसी क्रॉन्जे एंड उसके बाद क्रॉन्जे डिसाइडेड कि वो अपना विकेट काफी सस्ते में दे देंगे और वैसे ही कुछ हुआ। क्रॉन्जे गॉट आउट अर्ली बट साउथ अफ्रीका स्टिल मैनेज्ड टू स्कोर 320 रन्स एंड लेटर हेनरी गॉट इंजर्ड व्हाइल बॉलिंग हिज सेकंड ओवर एंड वे भी अपनी डील पूरी नहीं कर पाए। उन्हें इस प्रोजेक्ट के $15,000 मिलने वाले थे बट ऑब्वियसली दे फेल्ड। ये सब रिवील होने के बाद क्रॉन्जे को साउथ अफ्रीकन टीम से बैन कर दिया गया था और वहीं हर्शल गिब्स और हेनरी विलियम्स बच गए थे। हालांकि इस चीज ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को फायदा ही किया एज ग्रेम स्मिथ बिकेम देयर कैप्टन हु प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट साउथ अफ्रीकन कैप्टन एवर। बट ये सब प्लेयर्स आखिर पकड़े कैसे गए थे?
7th April 2000 दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यह स्टेट किया कि उनके पास संदीप चावला अ वेल नोन बुकी और हैंसी क्रॉन्जे की मैच फिक्सिंग को लेकर एक कॉल रिकॉर्डिंग है। उस स्टेटमेंट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में यही बात होती थी कि मैच में कौन खेलेगा, कौन टॉस जीतेगा और कौन कितने रन स्कोर करेगा और फिर अगले दिन वही चीजें मैच में सच होती थी। ये सभी चीजें दिल्ली पुलिस को मिड सीरीज में ही पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने ये सब रिवील नहीं किया था क्योंकि फिर बीच में सीरीज को बंद करवाना पड़ता। इससे उनका ये नुकसान हुआ कि उनके हाथ से संजीव चावला निकल गया। फाइनल ओडीआई से 4 दिन पहले ही संजीव चावला लंदन चला गया और इधर क्रॉन्जे के साथ और भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स लाइक हर्षल गिब्स, निकी बॉजे एंड पीटर स्ट्राइडम का भी नाम लिया गया। All I will say is that I was not involved in fixing or manipulating the results of cricket matches. I always played to win. Initially, both South African Cricket Board and Hansi Cronje denied any kind of involvement, but kuch dino baad, they released a statement that Hansi Cronje was involved after he confessed to the team coach that he took $10,000 to $15,000 as bribe from British-based bookies to share confidential information related to the match, but wasn't involved in any kind of match fixing. इन सब के बाद एक कमेटी बिठाई गई जिसे एडविन किंग लीड कर रहे थे और कुछ दिनों बाद गिब्स एडमिट भी करते हैं दैट ही वाज ऑफर्ड मनी बाय क्रॉन्जे टू स्कोर लेस देन 20 रन्स इन नागपुर ओडीआई मैच, बट उस मैच में उन्होंने 74 रन स्कोर करे थे जिस वजह से उन्हें वो अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ था। उन्होंने हेनरी विलियम्स का भी नाम लिया बिकॉज ही वॉज टू ऑफर्ड मनी टू कंसीड मोर देन 50 रन्स, बट उनके शोल्डर में इंजरी हो गई जिस वजह से वे अपना स्पेल पूरा नहीं कर पाए। फ्यू डेज लेटर हैंसी क्रॉन्जे ने खुद ही बुकीज के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवील कर दिए थे। ये काफी बड़ा रिवील था क्योंकि उन्होंने साथ में बुकीज से मिलने वाले पैसे भी रिवील करे थे और इन सब में ये पता चला कि उन्हें ये पैसे 1996 से मिल रहे थे। I was not honest and I apologize unreservedly. हैंसी क्रॉन्जे ने आगे ये भी बताया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ही वो इंसान थे जिन्होंने एमके गुप्ता नाम के एक बुकी से मिलवाया और वहीं से क्रॉन्जे के लिए चीजें स्टार्ट हुई। कमेटी ने क्रॉन्जे को गिल्टी डिक्लेयर करके लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया और हर्षल गिब्स एंड हेनरी विलियम्स को 6 मंथ्स का बैन झेलना पड़ा। अगर हम इस इंसिडेंट को इंडियन साइड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज मानी जा चुकी थी जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी और वो था मैच फिक्सिंग में इंडियन कैप्टन अजहरुद्दीन का नाम आ जाना। मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ कुछ और नाम भी इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर एंड डॉक्टर अली ईरानी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर एविडेंस ये भी मिले थे कि अजय जडेजा भी इसमें शामिल थे, लेकिन अजय जडेजा ने इस सब को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया था। At no time in my career have I been involved in match fixing as defined in the CBI report. अजय शर्मा वो जिसने एमके गुप्ता को अजहरुद्दीन से इंट्रोड्यूस करवाया था और साथ में मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन दोनों को ही लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था व्हाइल द रेस्ट वर बैंड फॉर शॉर्ट टाइम। 96 को खत्म होके जब मैं क्रिकेट को छोड़ के आया हूँ। अजहर और एमके गुप्ता का नाम मैच फिक्सिंग में जून में आता है और ये सारा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एमके गुप्ता सीबीआई को शुरू में कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन थोड़ा प्रेशर पड़ने के बाद वो सारे राज एक एक करके बताता है। In 1988, M.K. Gupta, a.k.a. Mukesh Kumar Gupta, was a normal bank officer, जो कि बैंक आर्स में अपनी जॉब करता था और बचे हुए टाइम में वो छोटे मोटे क्रिकेट मैचेस में पैसा लगाया करता था। फॉर एग्जाम्पल लोकल मैचेस एंड डोमेस्टिक रणजी मैचेस, इन सब में अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व होता है और मुकेश को लोकल मैचेस देखने जाने के लिए भी कहता है। अंडरवर्ल्ड बेसिकली मुकेश गुप्ता को ये मैचेस देखने के बहाने प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के लिए बोलती थी जो उन्हें मैच फिक्सिंग में काम आ सके। एमके गुप्ता बाद में बताते हैं दैट द फर्स्ट क्रिकेटर दैट ही अप्रोच्ड वाज अजय शर्मा इन लेट 1980s। अजय शर्मा वाज अ टैलेंटेड प्लेयर बट वो काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। दैट मीन्स ही वाज द राइट प्लेयर फॉर एमके गुप्ता टू एग्जीक्यूट हिज प्लान एंड अप्रोच करते ही एमके गुप्ता अजय शर्मा का काइंड ऑफ फ्रेंड बन जाता है और वो उन्हें 2000 रुपीज एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी देते। आगे जाके मुकेश गुप्ता अजय की फाइनेंशियली भी काफी हेल्प करता है। ईयर 1990 में अजय शर्मा का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता है फॉर द न्यूजीलैंड टूर। मुकेश फर्दर सेड दैट अजय उन्हें कॉल के थ्रू काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे अबाउट द वेदर, पिच, मैच कंपोजिशन एंड एक्सेट्रा। मगर अजय शर्मा अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं कि वे खुद नहीं बल्कि उनके उस टूर के रूममेट मनोज प्रभाकर उन्हें ये सब इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। दिस अपीयर्स अनलाइकली क्योंकि मनोज प्रभाकर का एमके गुप्ता से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था और उनकी बातें मुकेश से हमेशा कॉल पर ही होती थी थ्रू अजय शर्मा। और फिर बाद में जाके अजय शर्मा मनोज प्रभाकर को एमके गुप्ता से मिल
मिलवाते भी है। एक्चुअली मनोज प्रभाकर को आने वाले इंग्लैंड टूर के बाद मारुति जिप्सी वो भी व्हाइट टायर वाली चाहिए थी, और मुकेश गुप्ता ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो श्रीलंकन प्लेयर अरविंदा दे सिल्वा से उनको मिलवाएंगे तो उन्हें वो गाड़ी मिल जाएगी। और आगे जाके कुछ ऐसा ही होता है। सीबीआई की इंक्वायरी में आगे जाके पता लगता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की गर्लफ्रेंड एक फैशन शो करवा रही थी और उसके लिए उन्हें एक चैरिटी स्पॉन्सर चाहिए था। जवाब में अजय शर्मा कहते हैं, वो तो नहीं लेकिन वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि 1 करोड़ जैसी अमाउंट का इंतजाम कर सकता है। दिल्ली में अजय शर्मा ने एमके गुप्ता की मीटिंग मोहम्मद अजहरुद्दीन से करवाई और वहां पे एमके गुप्ता उन्हें 1 करोड़ देने को मान भी गया। और आखिर माने भी क्यों ना, जब टीम का कैप्टन ही हाथ लग जाए तो कोई बुकी उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना ही नहीं चाहेगा। एंड एज पर सीबीआई इंक्वायरी, मोहम्मद अजहरुद्दीन कहते हैं कि वो एग्जैक्ट मैच बता देगी कि कौन सा इंडिया जीतेगी और कौन सा हारेगी। एंड ही गॉट 50 लाख एडवांस फॉर दिस डील। और साथ में एमके गुप्ता बताते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कंफर्म बोला था कि इंडिया 1996 का टाइटन कप हारेगी। एंड एज मोहम्मद अजहरुद्दीन बीइंग द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, उस टाइम में उनकी बात मान ली गई और उस हिसाब से ही मैच में पैसा लगाया गया। मैच शुरू होते ही अजहरुद्दीन 1 रन स्कोर कर आउट हो गए और थोड़ी देर बाद अजय जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं। इंडिया वो मैच हारने की कगार पर थी, मगर सचिन तेंदुलकर अकेले ही पूरा मैच जिता देते हैं। इससे बैटर्स का काफी भारी नुकसान हो जाता है। सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया था और वहां पे सचिन रिवील करते हैं दैट अजहर वॉज नॉट गिविंग हिज फुल 100% एफर्ट एंड ही सस्पेक्टेड दैट ही वॉज इन्वॉल्व विद सम बुकीज। बाद में जब सचिन से पूछा गया कि 1994 के इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज वाले मैच में मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया स्लो खेल रहे थे विदाउट एनी रीजन, उसकी क्या वजह थी, देन सचिन बताते हैं कि वे उस मैच के वाइस कैप्टन थे और वे पूरी तरह से क्लियर थे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था फॉर देम टू प्ले स्लो, जिसके वजह से सचिन काफी गुस्सा भी हो गए थे और मैच के बाद उन्होंने उन दोनों से बात भी करना बंद कर दिया था। कुछ समय बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। शुरू में तो उन्होंने ये सब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, बट जब सीबीआई ने उन्हें प्रॉपर बिलिंग डिटेल्स, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन दिखाए और ये भी कहा कि साइड वाले रूम में एमके गुप्ता भी प्रेजेंट है तो अगर आप चाहे तो उनसे कन्फर्म कर सकते हो, उस पॉइंट पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो सब मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। एंड ये भी रिवील किया जाता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर और एमके गुप्ता मैच में सट्टा लगा के जो भी पैसे जीतते थे उसके लिए ताज होटल में एक सेपरेट लॉकर खुलवा रखा था और इस बात को ताज होटल मैनेजमेंट स्टाफ और एमके गुप्ता ने खुद कंफर्म किया था। इस सब के बाद अजहर को आईसीसी के द्वारा क्रिकेट से कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है। हैंसी क्रॉन्जे अपील्ड अगेंस्ट हिज पनिशमेंट बट उनकी अपील अक्टूबर 2001 में रिजेक्ट हो गई थी। ही लेटर डाइड इन 2002 इन अ प्लेन क्रैश। सीबीआई एक 75 पेजेस की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है टू द यूनियन मिनिस्टर, जिसका आउटकम ये निकलता है कि बीसीसीआई अजहर के साथ अजय जडेजा, नयन मोंगिया, अजय शर्मा को कल्प्रिट घोषित करती है। अजय जडेजा का नाम इसमें इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि अजय जडेजा भी कॉल रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से मैच की इन्फॉर्मेशन अजय शर्मा को देते थे। बट देयर वॉज अ ट्विस्ट। सीबीआई की रिपोर्ट की वजह से बीसीसीआई ने इन सभी प्लेयर्स को कल्प्रिट तो घोषित कर दिया था, मगर मैच फिक्सिंग जैसी चीज को लेकर इंडिया में कोई लॉ अभी तक नहीं है, क्योंकि मैच फिक्सिंग को प्रूफ करना इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इज नॉट दैट इजी, खास करके जब इसको लेकर कोई पनिशमेंट ओरिएंटेड लॉ है ही नहीं। इसलिए कोर्ट में इन्हें जेल नहीं होने वाली थी, लेकिन बीसीसीआई ने पूरा एक्शन लिया और सभी प्लेयर्स को बैन कर दिया। इस इंसिडेंट के ऊपर क्रिकेट लवर्स का रिएक्शन काफी मिक्स था, जहां एक तरफ इंडिया के मेजर 90s प्लेयर टीम से हट रहे थे और गांगुली की दादा बनने वाली जर्नी शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ इंडियन फैंस स्टार्टेड हिटिंग द टीम क्योंकि जो प्लेयर्स काफी इंडियन फैंस के रोल मॉडल हुआ करते थे उन्होंने अपने ही फैंस का दिल तोड़ दिया था, जो कि काफी अनएक्सेप्टेबल था। जिस इंडियन टीम ने 1992 से 1999 तक आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2 सेमीफाइनल खेले थे, अब वही इंडियन टीम 2000 से 2003 तक 3 फाइनल खेल चुकी थी। दैट मींस इंडियन क्रिकेट में अच्छी ट्रांजिशन होने लग रही थी, लेकिन इसके बाद भी मैच फिक्सिंग का केस 2013 में सामने आया था, लेकिन उसके बाद किसी और वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।